हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आज हम लोग बात करेंगे उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया ये योजना, जिसका मेन कार्य ये है कि जितने भी हमारे समाज में ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक चूल्हा का यूज़ करते हैं, जिनके पास अपना LPG सिलेंडर नहीं है, उनके पास ये चूल्हा नहीं है, वो फ्री में जाके अप्लाई करके अपना ये चूल्हा LPG चूल्हा प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, आप घर बैठे कैसे अप्लाई करोगे, आप अगर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी हम लोग पूरी जानकारी देंगे और वीडियो के लास्ट में इसका एक डेमो करके भी दिखाएंगे। जिन लोगों को इसमें समझने में थोड़ी सी भी असुविधा होगी वो लास्ट में जाके उस वीडियो का डेमो देख लें, जिसे उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी मोबाइल है, उस पर जाइएगा, उसके जो ब्राउज़र होता है, आप में क्रोम ब्राउज़र होगा, अगर कोई ब्राउज़र होगा उसमें चले जाइएगा और वहाँ पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा pmuy.gov.in। जैसे आप टाइप करते आप सीधे इस साइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। बहुत लोगों को अगर ये साइट खोजने में असुविधा होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक होगा वो इसी साइट का होगा, आप उसको क्लिक करके भी यहाँ पे सीधे पहुँच सकते हो। आप जैसे साइट पे पहुँच जाते हो तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें से कौन कौन गैस कंपनी जो फ्रेंचाइजी है जिसका आप लोग कनेक्शन ले सकते हो उसके बारे में, यहाँ पे इंडियन गैस है, भारत गैस है, HP गैस है। अगर आप इसमें नीचे आते हो तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा ऑप्शन में, आप इस साइट पे चले जाइएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको जो भी सुविधा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। पर आप यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर चले जाइएगा और यहाँ पे जो जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, मैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। यहाँ पे जैसे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा, वो लाइन है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा जिससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाओगे। आप उसके मेन पेज पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम उसके बारे में बता देते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपका एक महिला होना बहुत ज़रूरी है और आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, जो इसका सबसे पहला कंडीशन है। दूसरा, उस महिला के नाम पे आपके घर पे दूसरा LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप इसमें कोई भी एडल्ट महिला को ले लीजिए, अगर स्टेसिक वर्ग से आते हैं, अगर उन्होंने आवास योजना के तहत, माने किसी भी तरह जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो महिला इसमें रजिस्टर करवा सकती है। अब बात करते हैं इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर का KYC, KYC में क्या क्या होता है, आधार कार्ड होता है जिसमें प्रूफ लगते हैं, वो हो गया। यहाँ पे राशन कार्ड इशू होना चाहिए, अगर आपके नाम पे राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप भर के आप जाके उस सेंटर पे भी जाके भर सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन भी भर सकते हो, उसको आप फॉर्म भर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए, उसमें IFC कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और यहाँ पर सपोर्टिंग एक KYC होना चाहिए, आपके घर में किसी भी अगर बड़े लोगों का अगर कोई भी आधार कार्ड होगा जिसमें एड्रेस प्रूफ हो तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आप चले जाइएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर में एक बड़ा सा एक पट्टी आ रहा होगा, इसमें देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगा, उस पर आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक तीन ऑप्शन दिख गया। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इंडियन गैस का है, भारत गैस का है और HP गैस का है, जो भी आपके नियरेस्ट में है, जो आपको सही से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ पर चले जाइएगा। और इंडियन गैस की बात करें तो इंडियन गैस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे देखिए अप्लाई का दिख रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। इंडियन गैस में आप जैसे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्म भर के वहाँ पे भेजा जाता है, जो क्या कहते हैं हम लोग ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे खुल रहा है, खुल जाता है तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप इंडियन गैस के पोर्टल को खोलते हो तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है, आर यू एग्जिस्टिंग इंडियन गैस कस्टमर। अगर आपके पास पहले से इंडियन गैस का कस्टमर है तो भरिएगा, नहीं है तो यहाँ पे चुपचाप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद में आपको एक पेज दिख रहा होगा, इस पेज में आपके इन्फॉर्मेशन को पूछा जाएगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है मैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम पूछा जाता है, यहाँ पे मिडिल नेम पूछा जाता है, लास्ट नेम पूछा जाता है, यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस तो LPG का है, हाँ LPG सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, एड्रेस डालिएगा, जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे पिन कोड डालिएगा, अपने सिटी कोड डाल दीजिएगा,
आप किसके स्कीम के तहत लेना चाहते हैं, तो आप उज्ज्वला स्कीम के तहत लेना चाहते हैं, इसको भी आप टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपसे रिमार्क पूछा जाएगा, तो रिमार्क में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उज्ज्वला योजना के तहत आप इस गैस को लेना चाहते हैं और सबमिट कर दीजिएगा। ये तो हुआ इंडियन गैस का। अगर भारत गैस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा, खुलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आप जैसे भारत गैस में आप करते हो तो कुछ इस तरह का पेज दिखता है। तो इंडियन गैस में क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो और भारत गैस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। रिक्वेस्ट डालने के बाद वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना होता है। आप उसके बाद आपका जो भी नियरेस्ट एजेंसी होता है वहाँ पे चले जाइएगा और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे जब चले जाइएगा तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत गैस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब आप इसके एप्लीकेशन खोलते हो तो आपके यहाँ सबसे पहले स्टेट पूछा जाता है आप किस स्टेट से हो, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उसके बाद आपका पिन कोड पूछा जाता है, पिन कोड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपके उसका वो पूछा जाता है, जो कंज्यूमर है उसका नाम पूछा जाता है, मोबाइल नंबर, एक कैप्चा कोड है डालने के बाद ओटीपी आता है। ओटीपी के आने के बाद आप उसको फिर फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद में आपका जो नियरेस्ट एजेंसी है उसके पास चले जाइएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आप जैसे ये फॉर्म भरते इसको अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद आपको एक चूल्हा मिलता है, चूल्हा मिलने के बाद एक भरा हुआ सिलेंडर मिलता है। पहला जो रिफिलिंग होता है बिल्कुल फ्री होता है, भविष्य में जब आप इसको रिफ़िल करवाओगे तो उसके पैसे आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका चूल्हा का चार्ज इंक्लूड होता है जो 1800 से लेकर 2000 तक होता है, पर इसके भी कोई पैसे आपको नहीं देने होते हैं। ये आपका जो कुछ महीने जो आपका जो ये सब्सिडी मिलता है आपको गैस भराने पे, वो सब्सिडी आपको कुछ दिनों तक नहीं मिलेगा, वो सब्सिडी का पैसा उस चूल्हे में डिडक्ट हो जाएगा, सिर्फ चूल्हे का। यहाँ पे जो सिलेंडर है वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से चूल्हा आपका हो जाएगा। आप इसको बढ़ाते रहिए, यूज़ करते रहिए। वीडियो को अभी हमें एंड मत कीजिएगा, मैं इसका एक डेमो आपके स्क्रीन पर डाल देता हूँ, इस पूरे डेमो को देखिए और समझिए कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।